दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से fishdawai.com में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी इन सारी वीडियोस का हमारा फोकस ही केवल ये है कि हमारे किसान भाई अनिवार्य दवाइयाँ छोटी छोटी क्वांटिटी में आप अपने कल्चर में 4 से 5 रुपये पर केजी बायोमास फिश के मेडिसिन कॉस्ट इंक्लूड कर लीजिए। मेडिसिन का तात्पर्य ये नहीं है कि वो बीमारी हो गई है, वो आपके सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, आपके मिनरल्स हो सकते हैं, आपके विटामिन्स हो सकते हैं, आपके प्रोबायोटिक्स हो सकते हैं, राइट, आपके सैनिटाइजर हो सकते हैं, कोई भी जो टॉप 10 मेडिसन्स हैं वो आपके छोटी छोटी क्वांटिटी में आपके फार्म पे अवेलेबल हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक विटामिन सी एक्वासोल जो कि न्यूस्पार्क कंपनी का प्रोडक्ट है। ये हिमालय का भी प्रोडक्ट आता है, बहुत सारी कंपनी विटामिन सी बनाती है। जो भी किसान भाई कैटफिश पाल रहा है, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो, बरसात का सीज़न हो, ठंड का सीज़न हो, मेरा सबसे एक विनम्र निवेदन है आप पर केजी आप उसको पूरे एंटायर कल्चर पूरी उसकी जब तक वो खाना खाएगी आप उसको विटामिन सी देंगे तो आपके 50 से 60 पैसे 1 केजी बायोमास पे खर्च नहीं होने वाले। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप 100-150 ग्राम तक आप उसको डेली दीजिए, देन वीक में 2 बार दीजिए, देन वीक में 1 बार दीजिए। दोस्तों आज जब हम खाना खाते हैं कभी ऐसा कभी नहीं होता कि आप केवल दाल दाल खा रहे हैं, आप चपाती चपाती खा रहे हैं। हम दाल भी खाते हैं, चपाती भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं, साथ में खीरे भी खाते हैं, ओनियन भी खाते हैं। दोस्तों हमें भी कंप्लीट बैलेंस डाइट चाहिए। जितनी कैटफिश रहती हैं जो उनको में हाई डेंसिटी में पलती है जिसके कारण वो विटामिन सी कंज्यूम नहीं कर पाती। विटामिन सी जो हमारा विटामिन है वाटर सोल्यूबल है, तो आपको फीड में देना है। मेरा हर किसान भाई से ये भी एक रिक्वेस्ट है, वो जो उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता है उसको फॉलो करे, अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाए, वो उसको फॉलो करे किस मात्रा में, किस लेवल पे, कितनी बार देना है। बहुत सारे फार्मर यूज़ करते हैं लेकिन वो गलत मेथडोलॉजी से यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो बेनिफिट नहीं रहे। हाइब्रिड मांगूर बैन मछली है लेकिन बहुत लोग करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों की मोर्टिलिटी होती है, सेम चाहे आप मरल कर रहे हो, चाहे आप फंगास कर रहे हो, देसी मांगूर कर रहे हो, सिंगी कर रहे हो। दोस्तों विटामिन सी आप एक मैंडेट बैलेंस डाइट के रूप में फीड में ऐड कर दे किसी भी बाइंडर के माध्यम से। सबसे अच्छा बाइंडर Leaf 52 है। मेरा बार बार फोकस रहता है मछली पालन के लिए वाटर पैरामीटर रेगुलर चेक करें और बेसिक दवाइयाँ अपने फार्म हाउस पर रखें। अगर किसान भाई ये 2 एक्टिविटी भी करता है तो आप खुद एक क्रॉप में आप रिजल्ट देख सकते हैं। हम जनरली 1 साल में 1 क्रॉप निकालते हैं तो हमें ज़्यादा दवाइयों के मामले में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो वेल नोड अच्छी कंपनी है उसका प्रोडक्ट आप यूज़ करें और उसके अच्छे अपने रिजल्ट भी ऑब्जर्व करें। दोस्तों मैं अपनी फंगास पे और मरल पे रेगुलर विटामिन सी यूज़ करता हूँ, बहुत कम मोर्टिलिटी, एंटी स्ट्रेस, एंटी ऑक्सीडेंट, एस्कॉर्बिक एसिड, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि आप अननेसेसरी कोई भी रो या कोई भी न्यू कंपनी का प्रोडक्ट ना लें। न्यूस्पार्क, वीरबैक, हिमालय, गोल्डन स्ट्रीक, टाटा, ये जो बहुत ही बड़ी कंपनी है उनके प्रोडक्ट यूज़ करें। दोस्तों बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें बेसिक से बेसिक बातें। और जो मैं वीकेंड पे 1 घंटे का लाइव सेशन करता हूँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ज्वाइन करें। जो उनकी प्रॉब्लम रहती है मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सबको आंसर करूं, जो मैं आंसर नहीं कर पाता वो मेरा एक रेगुलर जो FAQ की सीरीज़ आती रहती है। इस मेडिसिन के कुछ वीडियोस के बाद मैं मेरी FAQ की सीरीज़ आएगी जिसमें जो किसान भाइयों की क्वेरी रहती है, क्योंकि जिस बंदे ने कमेंट करा है वो अपना कमेंट ही पढ़ता है, बाकी कमेंट नहीं पढ़ पाते, तो मैं जो अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं उनको कंबाइंड करके अपने किसान भाइयों के लिए कंबाइंड वीडियो पेश करता रहता हूँ। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।